राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में भी अब बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के बाद कुछ हलचल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी जो राजनीतिक तौर पर हलचल मानी जा रही है वो है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पार्टी बदल सकती है। ये बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस और दिल्ली से मिले इनपुट के आधार पर है। सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से सांसद हैं और फिलहाल पंजाब की राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी हैं। राजस्थान कांग्रेस इस बदलाव के बाद प्रभारी के तौर पर किसे देख रही है, ये नाम भी जल्द सामने आ सकता है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद से निशाने पर रहे। उस वक्त विधानसभा चुनाव हारने की बड़ी वजहों में से एक सुखजिंदर सिंह रंधावा को बताया गया, लेकिन प्रभारी के तौर पर अपनी दमदार मौजूदगी वो दर्शाने में सफल रहे और लोकसभा चुनाव आए तो परिणाम भी पलट गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बार फिर से हीरो बनकर उभरे। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने न केवल राजस्थान में 11 सीटों पर इंडिया अलायंस को जीत दिलाने में अपना रोल निभाया, वहीं खुद अपनी सीट भी वो जीत कर कांग्रेस के खाते में देने में कामयाब रहे। लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। इस बदलाव की आहट उपचुनाव से ठीक पहले हुई है। ये वजह बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की वजह से भी है। राजस्थान बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों बदल दिए। ऐसे में राजस्थान में भी अब ये कवायद है कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बदला जा सकता है। इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अब संगठन के लिहाज से और उपचुनाव जीतने के लिहाज से कुछ बदलाव जरूरी हैं। ऐसे में उन बदलावों की भेंट सुखजिंदर सिंह रंधावा चढ़ सकते हैं। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल बने हुए हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के पास ही उपचुनाव के दौरान जिम्मेदारी रहेगी। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान में दलित चेहरे के तौर पर अपने विशिष्ट पहचान बना रहे टीकाराम जूली मजबूत भूमिका इस उपचुनाव में निभा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। उनकी कुछ सुखद तस्वीरें इन दिनों सामने आई हैं, जब पार्टी के नेताओं और अपने समर्थकों के साथ वो मुलाकात कर रहे थे। सार्वजनिक तौर पर उनकी बंद मुलाकातों का सिलसिला उपचुनाव से ठीक पहले शुरू हो गया है। अशोक गहलोत इस बार स्वास्थ्य उनका नासाज था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनकी ऐसी ही सक्रियता हमेशा उनके समर्थकों और राजनीति दोनों को चौंकाती रही है। सचिन पायलट उपचुनाव से ठीक पहले थोड़े सुस्त हैं, लेकिन उपचुनाव के दौरान अपने समर्थकों को अपने नेताओं को टिकट दिलाने में वो कामयाब रह सकते हैं। राजस्थान में हाल ही में बीजेपी की ओर से दिए गए एक बयान ने सचिन पायलट को फिर से चर्चा में लाया था, लेकिन उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया। समर्थक जरूर नाराजगी दिखाते रहे, ये दिखाता है कि सचिन पायलट को भले ही राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी नेपथ्य में गया हुआ बताते हो, लेकिन सचिन पायलट की राजनीति राजस्थान के लिए और देश के लिए फिलहाल बची हुई है। इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट वार का अभी तक खत्म नहीं होना भी दिखाता है कि उपचुनाव में जब 6 सीटों पर टिकट तय होंगे तो ना अशोक गहलोत को नजरअंदाज किया जा सकता है और ना सचिन पायलट लोकसभा चुनाव की भूमिका के बाद से एक किनारे करने की स्थिति में है। राजस्थान कांग्रेस में इन दोनों पार्टों के बीच में गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली है, किनारे से जितेंद्र सिंह नजरें बनाए हुए हैं। प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा लंबे समय से अपना चुनाव जीतने के बाद सक्रिय नहीं है। ऐसे में तय है कि अब उन्हें बदला जा रहा है। लगभग ये तय हो गया है कि प्रभारी के तौर पर राजस्थान में नया चेहरा आएगा, ताकि राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नए प्रभारी के साथ नया जोश दिखे। 6 सीटों पर जो उपचुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है और इस वजह से राजस्थान कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि सरकार बीजेपी के आने के बाद चुनावी मोर्चे पर कांग्रेस आगे रही है। ऐसे में उपचुनाव में किसी भी हाल में कांग्रेस नहीं चाहती कि उनकी जीत की हैट्रिक बनने से पहले कोई ऐसा कारण सामने आए जिससे कि प्रभाव पड़े। ऐसे में
सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पार्टी का मजबूत चेहरा है, राजस्थान में आने के बाद भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वापसी की उसके बाद से और खुद की सीट जीतने के बाद ये माना जा रहा था कि कुछ और समय राजस्थान में सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रभारी के तौर पर मिल सकता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ये तय है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर अब जल्दी कल की बात हो सकते हैं। आप राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राजस्थान चौक के साथ बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा को हटाना ठीक है उपचुनाव से पहले, या सुखजिंदर सिंह रंधावा की जगह कौन कौन व्यक्ति है जो प्रभारी के तौर पर राजस्थान में आ सकते हैं। नमस्कार।